अच्छा फाइनली हम लोगों ने तो मैच जीत लिया। मैच क्या जीता भाई साहब, हमें तो यार हार्ट गुर्दा सब बाहर आ गई थी। आज तो इतना पता चल गया कि यार न्यूजीलैंड डिजर्व करता है यार, नंबर वन ओडीआई टीम रैंकिंग में जो है ना अभी वन पे डिजर्व करता है, और आज का मैच हमने जीत लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज का मैच डिजर्व करता था न्यूजीलैंड वालों ने, क्या रौंदा है भाई साहब। तो कह रहा हूँ ये मैच देखते देखते ना यार गुर्दा बाहर आ गई थी, बट फाइनली इंडिया जीत गया हूँ। बट कहीं ना कहीं दुख भी हूँ अंदर से, वो तरीके से नहीं जीता भाई जो हमें चाहिए था। इन सब चीज को साइड में रखते हुए मोहम्मद सिराज की बात करते हैं। मोहम्मद सिराज आज फिर से 4 विकेट लिए, बाकी शुभम गिल तो भाई आज तो आग उगल ही दिया था। ये तो भाई दुनिया याद रखेगा और खुद याद रखेगा, ये बंदा सबसे फास्ट ओडीआई सेंचुरी मारा है उन्होंने। मोहम्मद सिराज का हर बार बैड लक होता है यार, 4-4 विकेट ले लेता है लेकिन फाइनली 5 विकेट नहीं ले पाता है। चलो तो कोई नहीं, आगे वो बंदा बहुत आगे तक जाएगा। बाकी इन सबसे आगे ना फैमिली का इमोशन भाई साहब, फैमिली आया हुआ था ग्राउंड में और बहुत एक्साइटेड था, और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आगे, वीडियो में बने रहोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। बंदा इतने साल से क्रिकेट खेल रहा था, डेब्यू करा था, लेकिन आज तक अपने स्टेडियम में नहीं खेला था, यानी कि हैदराबाद में अपने होम टाउन में नहीं खेला था, अपने होम टाउन क्राउड में। यही आपको दिखाऊंगा क्या इमोशन था यार। तो चलो बिना बकचोदी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगेगा तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, छोटे भाई का चैनल। मेरा पहला इंटरनेशनल मैच है होम ग्राउंड में, तो एक काफी मतलब खुशी की बात है क्योंकि पूरी फैमिली एंड ऑल सब आएंगे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अमजद खान है, मैं सिराज को 8-9 साल से पहचानता हूँ। मेरा नाम सैयद अहमदुर रहमान है, सिराज का फ्रेंड हूँ मैं, हम लोग 8-9 ईयर से क्रिकेट खेलते हैं साथ में। मेरा नाम मोहम्मद शफी है, हम लोग टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं सिराज के साथ, और सिराज का ड्रीम भी था कि हैदराबाद में उसके लोकल क्राउड के सामने मैच खेलना, और वो उसका सपना आज पूरा भी हो गया है। हिंदुस्तान के लिए भी खेलना पूरा हो गया है, और अपने क्राउड के सामने, लोकल क्राउड के सामने खेलने का बहुत ख्वाहिश थी सिराज को, वो खाली सिर्फ IPL के मैच खेला था, आज इंडिया का मैच भी पूरा खेल लिया। मेरा नाम सैयद अजहर है, मुझे बहुत खुशी हुई है सिराज को देखते हुए खेलते हुए, मैं साथ में खेला हूँ सिराज के, काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं सिराज, उनके सपना था हैदराबाद में खेलने के लिए, वो आज पूरा है, पूरे भाई के साथ, उनके बड़े भाई हैं, वालदा हैं, उनके ग्रैंड मदर हैं, उनके सामने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। सिराज 2016-17 में इंडिया के लिए डेब्यू किया था T20 में, उसके बाद टेस्ट में डेब्यू किया, उसके बाद ODI में, बट सिराज नेवर प्लेड इन हैदराबाद रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो आज इसका पहला मैच था हैदराबाद में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड, यू नो हम लोग सुबह से तैयारी कर रहे थे ग्राउंड को जाने की, स्टेडियम की, सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर जल्दी जल्दी आ जाएंगे स्टेडियम में, वी डोंट वांट टू मिस इवन अ सिंगल सेकेंड ऑफ द मैच टुडे, सो वी आर रियली रियली एक्साइटेड एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू इंडियन टीम एज वेल एज सिराज फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, एंड हम दुआ करते हैं कि सिराज उसको अल्लाह ताला और तरक्की दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा करती हूँ मेरा बेटा इंडिया का नाम रोशन करे, मेरा बच्चे का परफॉर्म अच्छा रहे, मेरा बच्चा और आगे जाए, वर्ल्ड कप भी खेले मेरा बच्चा।